आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी भिखारिन लाई हूँ। आशा करती हूँ उनकी ये कहानी आप पसंद ज़रूर करेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने कमेंट्स के थ्रू इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। अंधी रोज़ाना मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी रहती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका ये अनुमान मिथ्या न था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और सहृदयता को सराहती। औरतें भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी प्रार्थना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफेद वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की बनिस्पत झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही एक 10 साल का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 साल हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो कोई असाधारण घटना ना थी, इसलिए किसी ने भी नहीं पूछा था कि बच्चा किसका है। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हंडिया गाड़ रखी थी। शाम के समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उसी से काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वहीं पड़ जाती। सुबह होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसीदास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी को जानता था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे सेठ स्नान ध्यान में संलग्न होते थे, परंतु ऐसे आदमियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी ये बात मालूम थी, किंतु पता नहीं अब वो अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको डर था कि कोई चुरा न ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने वो हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठा किए हैं, अपने पास रखते हुए डरती हूँ, आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम में जमा कर ली और वो सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने याद आया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। लड़के की दशा दिनों दिन बुरी होती गई।
अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि शायद डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी वहां मौजूद थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी का रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए कहा, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी नजर से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आस बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ तो बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि शायद उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी आदमी भी भला कभी झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया, उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी सेठ जी। परंतु पत्थर में कोमलता ना आई। सेठ जी ने गुस्सा होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ की तरफ मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। ये आशीर्वाद न था बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी हालत चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे गुस्सा आता था, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही तो रुपए मांगने गई थी। उसे सेठ जी से नफरत सी हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरी खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को खबर दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वो उस स्थान से हिली नहीं। मारने का डर दिखाया पर टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वो नहीं टलती। अब सेठ जी खुद बाहर गए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें याद हो आई कि मोहन की जांग पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांग देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको यकीन हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपका लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, इसलिए मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और 1,00,000 कोशिशें करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए 1,00,000 यत्न करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब हालत थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही,
फिर वो भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः ईश्वर की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, मां। चारों ओर अजनबी शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर ज्यादा होना शुरू हो गया। मां की रट लगी हुई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, उन्हें चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, अब एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मौत उसको अपने चंगुल में दबा रही है, कैसे बचाऊं इसे। अचानक उसको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वो अब तक दरवाजे पर न बैठी हो, परंतु वो वहां कहां थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना दरवाजे की थी। अंदर गए, देखा एक अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की तरह तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वो बस तुझे ही पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने जवाब दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे, इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख से रहेगा, मैं वहां उसकी ठीक तरह से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने कभी सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वो बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी उसको सहारा देकर बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही हालत थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि ये उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोली और अपने पास खड़ी माँ को देखते हुए कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का एहसास हुआ और वो उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की हालत अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़ियां और डॉक्टर के मिक्सचर न कर सके, वो अंधी की प्यार भरी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा कि वो उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वो राजी ना हुई। मजबूर होकर सेठ जी को उसे विदा करना पड़ा। जब वो चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने सेठ जी से पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, मेरा वो अपराध। अंधी ने बात बीच में ही काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वो तो एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ भिखारी था और वो देने वाली दाता थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझसे साझा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, माँ की ममता एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रूप में, किसी भी तबके में, या फिर कहें कि गरीबी अमीरी, इन सबको नहीं देखती है। बुढ़िया ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला था। अपने से अच्छा उसे खिलाती, अपने से अच्छा उसे पहनाती
और उससे जितना भी अच्छा बन पड़ता वो उस बच्चे के लिए करती। कभी उसने अपने लिए नहीं सोचा कि मैं इसको देने की बजाय अपने ऊपर खर्च करूं। तो दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों से फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।